मकसद बहुत महत्वपूर्ण है और पंजाब के भविष्य यानी पंजाब की अगली पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मुद्दे को आज नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आज संजीदगी इसलिए है क्योंकि इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, वो नुकसान जिसकी भरपाई होनी असंभव तो नहीं बट बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अरसे से एक स्लोगन सरकारों ने बना लिया है जो गुप्त स्लोगन है, मैं उसको हमेशा उजागर करता आया हूं और मैं ये पंजाब के लोगों के नाम भी आज एक चिट्ठी लिख रहा हूं कि उन्हें जागरूक होना चाहिए कि उन्हें मूर्ख बनाया जाता है, झांसे में लाया जाता है वोट बटोरने के लिए और फिर एक धंधा चलता है, एक बिजनेस चलता है। जब मुद्दों से भटकते हैं मैं फिर घसीट के सबसे अहम मुद्दों पे लाता हूं और आज भी जिस मुद्दे पे मैं 15 साल से खड़ा हूं कि पंजाब के रिसोर्सेस की चोरी क्यों हो रही है, ये लग्जरी के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये लग्जरी सॉर्टीज फैल्कन एयरक्राफ्ट है और साथ में हेलीकॉप्टर, दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, वो यहीं से जाता है सब कुछ। तो वो सवाल भी है कि भाई ये तो बताइए, क्योंकि ये लोगों के हक के खून पसीने के पैसे हैं जो आप खर्च रहे हैं, और यही नहीं ये दूसरे स्टेटों में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, कई जगह पे कैंपेनिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो मैं इसे एक स्लोगन के रूप में कहता हूं कि पंजाब के लोगों के माल पे आपकी रोज दिवाली, लेने के देने पड़ गए। कहा क्या था, हो क्या रहा। आज पंजाब की नौजवान पीढ़ी जो है वो सब आईलेट्स करके बाहर जा रही, खासतौर पे पंजाब चल ही हुई, वो 400-500 डॉलर जो आते हैं वहां से उसी पे चल रहा है। और जो अगले आंकड़े कैक के हैं खासतौर पे कि पंजाब 7-8 साल में दिवालिया हो जाएगा, और जिस तरह से ये कर्जे ले रहे हैं पहले होगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अकाली दल के समय में 1.5 लाख करोड़ कर्जा चढ़ा 15,000 साल, फिर कांग्रेस आई 20,000 रुपया साल, ये तो सभी सीमाएं लांग गए हैं, 35,000 करोड़ रुपए साल, और सूद अगर लगाओगे तो सम इज फिनोमिनल, कुछ बचता ही नहीं। अब हो क्या रहा है, एक योजना तहत एक सिस्टम क्रिएट किया गया और उस सिस्टम को बारंबार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो भलाई के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकती है, लेकिन लगातार सरकारें और चीफ मिनिस्टर बिजनेस करने में लगे, पंजाब को गिरवी रखने में लगे, क्योंकि जो पंजाब का पैसा, और ये आम आदमी को समझना चाहिए, आपके जरिए मैं समझाना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, खास तौर पे जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उनको समझाना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी एजुकेशन के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सहूलियत के साथ, और आपको जो लोक भलाई के लिए पंजाब का खजाना डेवलपमेंट के रूप में मिलना चाहिए था वो निजी जेबों में जा रहा है। 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, मेरा छोटा भाई है, सियासत अलग है और जो पहले के संबंध, जो स्कीम थी असली स्कीम 2 साल जो चलनी चाहिए थी कि 100% हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, आयुष्मान स्कीम, 40% देने के पैसे नहीं थे, लेने के देने पड़ गए। अरे फ्री इलाज ग्राम, तुझे देखो ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, व्हाई डू नीड देम,
when the government is giving you 5 lakh insurance cover for everybody, all you have to do is कि आप 40% डालिए, आपके पास है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, वो फूल से रस भी लेती हैं करके तरीके से, और फूल भी बड़ा सुसज्जित रहता है, लेकिन ये सरकारें तो चौंक बन गई, चौंक समझते हैं आप लीचे। पंजाब के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सोचिए और समझिए और जागरूक होकर देखिए कि जो आपके पैसे हैं 40 से 50 हजार करोड़ है, किसके मामे के पास है, किसके एमएलए के पास है, पता तो लगे। अगर ऑक्शन हो तो 10 हजार करोड़ है ये स्टेट के लिए, सीधा कहीं और जाएगा नहीं, मिनिमम, ठीक है कि नहीं। अब न्यू हेल्थ मिशन की बात कर रहा हूं, जो मैं आयुष्मान 40%, कितनी पॉलिसियां बनी है प्रोडक्टिविटी पे किसानों की, बिजली फ्री दे दी, वो पहले कहा करते थे एमएसपी 40 रुपए बढ़ा दी, पेस्टिसाइड 40%, मिन्योर खाद 40%, वो भी नकली, मतलब 40 रुपए दिए 400 निकाल लिए, एक जेब में डाल दूसरी से ठां करके निकाल। ये कहते हैं हजूरे वाला कि हमने फ्री बिजली दे दी, कैसे दे दी, पीएसपीसीएल को गिरवी रख के दी, गहने रख दी तुझी एजेंसी। सबसे पहले मैं पूछता हूं एनपीए कहां गए जरूर, जो तुम कहते थे कैंसल करेंगे, आए जी असी ते सारे ही लगाड़ दी लगाड़, ओ आए थे हफ्ते चलाओ जी कैंसल। पीक सीजन में आज पंजाब 21 रुपए की बिजली खरीद रहा है और तुम फ्री दे रहे हो, कैसे दी तुमने, मैं बताता हूं कैसे दी। पीएसपीसीएल पे आज 40 हजार करोड़ के ऊपर कर्जा, मैं कहता हूं तनख्वाहों के लाले पड़ जाए। ये तो शुक्र करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिटेशन लगा दी, उन्होंने कहा कर्जा देना ही नहीं, आरबीआई ने लिमिटेशन लगा दी, लिमिट कट कर दिया, नहीं तो ये कहते ले आओ जी 10-15 हजार करोड़ और दो, 1100 भी दे दो जनानी, पंजाब जाए टठे खूच, साडा वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहे, कौन भरपाई करेगा। क्या आपने लोगों को यह बताया, क्या आपने लोगों को यह कहा कि भाई हम आपको फ्री बिजली देंगे कर्जा लेके, इतने कोई औना पौना ऐरा गहरा नथु खैरा बैंक जो कर्जा लो दे दू, लेकिन जो उनके पैसे हैं, जो शराब से 40 हजार करोड़, हम 4000, 2002 में बराबर तमिलनाडु, 25000 तेलंगाना, हजूर रेत 3 सैकड़ा 3000 में, मैं तब भी सवाल करता था, आज 15000 में 3 सैकड़ा, कहां जा रहा है, कौन खा रहा है। ये माफिया बगैर चीफ मिनिस्टर के नहीं चल सकता, तो फिर भाई कौन खा रहा है, दे दे तू 200 करोड़ वाले भी, 500 करोड़ वाले अंदर दे, पर 40 हजार करोड़ कौन खाता सूबे का, ये चोरी नहीं, ये करप्शन नहीं, केवल आज भी मोनोपोली पे चल रही है, वही आदमी जो 10 साल पहले उसको मोनोपोली पे चलाता था, जिसने गिरवी रखे हुए हैं, जो केबल ऑपरेटर कोई जहर खा रहा है कोर्ट में, कोई कहता है जी हमें बांध लिया, वो उनका क्या, तुम 4 कंपटीशन में खड़े करो, बोर्ड बनाओ, लाया फिर 40 तो 200 आओ, क्यों नहीं भाई, आपको लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस। जस्टिस कुलदीप सिंह से बड़ा कौन है, क्या भाई आ दो चीफ मिनिस्टर ने, आप 500 पॉलिटिशियन है, बच्चे पता नहीं किन्ने अफसर ने की है, ये पंजाब की जमीन है दबी बैठे चढ़ा रहे, 1.5 लाख करोड़ की सिर्फ मोहाली में, 28 डिस्ट्रिक्ट लगा लो, उसका मोल ही नहीं है कोई, उसका मोल लगा ही नहीं सकता है जी। तो ये जो पंजाब के लोगों को समझाने वाली बात है कि भाई ये जो पंजाब का खनन है, तुहाडे पैसे जड़े ने ये तो खा जांदे है, दम जे मार दे खान नहीं देंगे है जी, ना खावांगे, फिर कित्थे जांदे है, मैनूं दस ना, एक एक स्टेट है जिहा जिहड़ा 40 हजार करोड़ कला शराब, मैं हक च नहीं शराब दे, मैं हमेशा कहना, पर जे विकदी है समगलिंग क्यों होवे, एक्साइज की चोरी क्यों होवे, जाली क्यों विके, बंदे क्यों मरन, बगैर MRP दे क्यों विके, फिर वो 40 हजार करोड़ कमाते हैं, स्टेट ओंड है, ए चिप ला देंगे, बोतल कितों हिली पता लगता, इतने समगलिंग रोज होंगी, क्यों होंगी है,
भाई आपके अपने बंदों की शादी होती है स्टेट के एक्सचेकर पे, और जब किसी गरीब की शादी होती है कहते हो 10% बढ़ा दी। ये पांच चीजें पंजाब दे लोगो आ देखो, मैं 15 साल का हथ बन के थोड़े को नैरेटिव सैट करना चाहना, वरतांत ये वरतांत है इलेक्शन का, पुछो कितों लियाओगे। वो भाई पंजाब दे लोगो मैं थोनों पहला का कहना कि यह 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जे थोड़े पैसों का थोड़े रिसोर्स का रेत तो शराब तो केबल तो ट्रांसपोर्ट तो कितने ने हो? जड़े मित्र प्यारे परमिट कहता सी हरेक पिंड च दूं हैं, और जमीना तो ये 30-40 हज़ार करोड़ डबल होएगा। अब देखो फर्क देखो, 30-40 हज़ार करोड़ डबल सेंटर की स्कीमों में डाल के 80 है, और कहां ये सारा आपकी जेब में, और भाई चल रहा है कर्जा 50 हज़ार करोड़ दे साहब मित्र प्यारे। अखे सेंटर धक्का करता है, सेंटर दे गोडिया लेट रहा है ते बारी बारी जी बारी ना टंगे महाशय जी हो जाड़ दो फिर मित्र प्यारे, मैं तेरा भरा जय जयकार करूंगा तेरी, हो जाड़ दो कल आओ इनकम साड़ी कर ले जाती जिन्होंने पैसे चोरी किए, कहे पार्टी का हो मित्रा के पार्टी का हो जय जयकार, तेन चिट्ठी देन गया मैं आप खुद नम्र होके आया चिट्ठी फड़ा के 1.5 साल पहला 2 साल पहला तुम सारे गवाओ की क्या सी आप छोटे वीर आ 6 चीजा कर ते तू 30-40 हज़ार करोड़ सारे दम जी मारो और प्रश्न बनावे जी क्यों कहते कि नहीं बोलते थे कि नहीं कसमे वादे प्यार वफा से बातें हैं बातों का क्या गल्ला का कड़ा वरताया लोगों का मूर्ख बनाया और हवारा जी विकास कराया इतने तुर के आना पाया इधर तो जवाब दे दो फिक्स विंग फैलकन जाता किधर है हैं? मैं आपके सुप्रीमो साहब सत्कार योग महाराज 20 हज़ार करोड़ कटने से 20 हज़ार करोड़ सैंड में से वो 20 करोड़ निकले 3-0 कम करो भाई 35 हज़ार करोड़ सीधा उसमें से बजट से है जी। बस जबान जो होती है ना भरोसे वाली जबान हो ना तो लोग जिंदगी दे देते, यही मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से लगता रहा और आज यही लड़ाई चल रही है। मैं तो चीफ मिनिस्टर सुटन लड़ाई हो गया, काश मैं सी द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज ट्राई एंड इफ आई फेल आई विल ट्राई अगेन आई विल कंटिन्यू टू ट्राई। काश किरदार होंगे, काश जबान वचनबद्धता होंगी, काश भरोसे योग्यता होंगी। सेंटर की कर लो जो तुम्हें देने ही नहीं, आखे जी RDF दे दो, RDF तो भाई ये कर्जे वाल नहीं जाऊगा, RDF तो किसानों के लिए रूरल डिवेलपमेंट फंड तू लाया उथे, जे लाया तो दस भाई वेरवा दे, यही पूछे दे वेरवा पैसे कितों आते है जाते कितने है ते लगते कितने है, गोली मारी राम को लगी घनश्याम को मर गया तिवाड़ी। तिवाड़ी कोई ऐसा मेरा कोई दुश्मन नहीं है गुरु, मैं तो वैसे ही एक ये फ्रेज है जी। क्या हो रहा है? और भाई भगवंत भाजी तुम चीफ मिनिस्टर साहब 200 सवाल पूछ चुके हैं, कल भगौड़े सी अज भगौड़े हो, आने वाले समय च भी भगौड़े। ध्यान से और ज्ञान से पढ़िए, ट्विटर पे है आप ये लो, RTI में लो जी ये देखो, ये इसका ये मुद्दा मेरा ये है, ये पंजाब के लोगों जी चिट्ठी भी तुहाडा विकास भी हुंदा, तुहाडे बच्चे बाहर छड के ना जांदे ट्राले ना चलांदे, एजुकेशन और हेल्थ के उत्ते किन्ने पैसे खर्चे जी इन्होंने 5 हज़ार करोड़ रुपया हेल्थ एजुकेशन से 10 हज़ार करोड़ रुपया 20-25% 15-15% लोग 20 साल लाते हैं हेल्थ ता रिस्पोंड करता है हेल्थ सिस्टम, उन्हें तो बैड नहीं। आ जे महला क्लीनिक ने 2 बजे तो बाद डॉक्टर नहीं, एक्सरे मशीन नहीं, वो जो खून कराने खून टेस्ट करने वो भी भज जाते, फिर जे डॉक्टर चलते सी हस्पताल उत्थे चला रहे हो हस्पताल चलते, जे तुसी चौंकियां लाइया
ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਨ ਹੈਂਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜਬ ਆਪ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਯੇ ਫਰੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਯੇ ਫਰੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਤੋ ਆਪ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਤਾਈਏ ਨਾ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏਂਗੇ ਔਰ ਬਜਟ ਮੇਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਦੀ ਆਪ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਕਲ ਚਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਕਲ ਚੱਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ, ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤਾ ਚੱਕ, ਆ ਵਿਜਨ ਚੱਕ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 75-25 ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੌਂਤਾ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਛੁਰਲੀ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਭਰ ਦਿਓ ਫਾਰਮ, ਭਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਆਲ ਦਿਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਹੈਪਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਮਨੀ ਇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ। ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਲੋਕ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਗਏ, 50,000 ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ MOU 'ਚ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1,04,000 ਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲੇ 3, ਪੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲੀ, ਚੂਹੀ ਚੂਹੀ ਵੀ ਮਰੀ। ਹੈਂ, ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਏ ਆ।